हम जे बात कहले हैं उम्मीद है कि ये घर में सभी के समझ में आ गई होई। हमके दोबारा कहे के जरूरत ना पड़े के चाहिए। आवा हमरा संगे। जल्दी जल्दी खा ला। ना हम ना खाई। अरे गर्मा गर्म ले आयल है, खा ला। ना हमार खाए के मन नहीं के। ओ समझ गई ली, दोस्त ना आईली ना खेल ना पहलू ऐसा गुस्सा हो। वो लड़की के कमरा से निकाल के तुहार मम्मी एकदम ठीक कही ली। वो राहू के तो पहले ही घर से भगा देबे के चाहत रहे, समझ लू। मम्मी जी कहली से कहली, तू बीच में टांग मत अड़ावा, हमार खाना ना खाए तो जा यहाँ से, हमार दिमाग मत खराब करे, जा यहाँ से। आभा बिटिया, ए आभा बिटिया, खाना खा ला, गरम गरम ले आई लही, खाना खा ला ना। ना, हम ना खाए, जा। ये का? हम इतना मेहनत करके खाना बना के ले आई ली, और तू ओकरा फेंक दे लू? रुका, हम अब ही जाके भौजी के सब बतावत हैं। इतना बड़का अपमान, छी 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 छी, देखा तमाशा, हाँ? काबेल कुछ कहबू तू लोग, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो होबे करी ना दीदी, घर में जिंदा काल सर्प जे घूम रहल है, ये घर के भला कैसे होई? अब फिर काबेल? अब सोची, चंचला दीदी आभा खातिर खाना लेके गई रही, आभा तो खाना ना खाईली, उल्टा गुस्सा में पूरा के पूरा खाना के प्लेट पटक दिली। मतलब हम कितना जतन से नूडल्स बना के ले गई रही, आभा फेंक दे ले का? आभा इतना बिगड़ गल है? अब खाली इतना ही ना भौजी, ऊ तो हमके मारे खातिर दौड़ल रही ना, ई सब ऊ शैतान अन्नपूर्णा से सीख ले है। और दीदी ऊ नौकरानी के बेटे के संगे आभा उठी बैठी तो एकरा से जाते और का सीखी? आपन खानदान के कौनो लेके कब्बो ऐसे कहली है का? अरे चंचला दीदी बताओ ना तू, आभा के कमरा में जाके काका देख लो। अब ना रहे द, उस सब बात बतावे से का फायदा? का देख लो तू? देख ली, हम जब आभा बिटिया के कमरा में गई ली तो देख ली कि आभा बिटिया वो बगीचा के खिड़की की तरफ खड़ी है, वो कमरा के तरफ देखत रही, अन्नपूर्णा के कमरा के तरफ। हमू देख ली ली ना, यही से वो नाराज हो गई ली। देखी ना भौजी, आप इतना समझावेली फिर भी काल सर्प है, समझ लो चंचला दीदी, काल सर्प के जहर, वो जहर के नशा ही अपन आभा के खींच रहा है। और एक हाथ दिन के बात नहीं खे दीदी, सालों साल से जो दोनों के ही दोस्ती चल रहा है, ओकर प्रभाव तो आपके बेटे पर पड़बे करी ना। ओ कहा जाला ना, सत्संग से स्वर्ग मिलेला और कुसंग से नरक मिलेला। आभा का हो रहा है ये सब? दिन ब दिन तो बिगड़ जा रहा हूँ, का कर रहा हूँ तू? हम का कह ले? का कह लो के मतलब? उठा, उठ के बैठा, उठ के बैठा, हम तोहरे से बात कर रहा है, सुनाई ना दे रहा हूँ? तू चंचला के संगे बुरा बर्ताव काहे कइलू? तो भी तो अन्नपूर्णा के संगे बुरा बर्ताव कइलू? मतलब हम केकरा संगे कैसन बर्ताव करी ई तू हमके बताइबू? हम जे कुछ भी करियो तोहार भलाई खातिर कइली। अन्नपूर्णा कोनो गलती ना कइले रही,
हमार मन खराब रहे, हम रोवत रहे, ऐसे हमके हसावे की कोशिश करत रहे। हम ओकर उल्टा सीधा बात सुन के हसत रहे, ये तो हमार गलती रहे। आभा, बच्ची हो बच्ची की तरह रहा, बेकार की बात मत करा। हम जे कह रहा नहीं उस सुना। अन्नपूर्णा आई, दोनों मैम के संगे बैठ के पढ़ाई करिए बस। एकरा अलावे ओकरा से मिले की जरूरत नहीं के। हम लोग खेलब ना? ना, तू लोग ना खेलबू। अन्नपूर्णा के संगीता बिल्कुल ना खेलबू। हम बहुत दिन से देख रहा लाई, सब मान ले रही दोनों मिलके, खाली उछल कूद मचावल बस। पढ़ाई छोड़ के खाली खेले में बिजी रहे लू, तो हर पढ़ाई के जी हाल। आज के बाद तो अन्नपूर्णा के संगे ना खेलबू, खाली खेल और खेल। मम्मी, हम तो कहे ना कि आपसे हम खूब मन लगा के पढ़ाई करब, तो फिर खेले काहे ना दे रहला। तू हमरा से ए तरह बात मत कइल करा, बड़ लोग के संगे ऐसे बात ना कइल चला। तू हमरा से बहस कर रहल हो, इतनी बदतमीज हो गई लो तू। छी, ठीक है, अब तू ये कमरा से बाहर ना चाहबू, एक कदम भी बाहर ना रखबू, ये तो हर सजा हो। सुतल हो बेटा, देख लो पूरा शरीर पर धूल लग गई ला। अच्छा हमार बेटा, उठा। I'm sorry, हमरा से गलती हो गई। बड़की माई ऐसन काहे सोचेली, माई काहे सोचेली कि हमरा चलते आभा फेल हो गईली। हम तो चाहेली कि आभा हमेशा खूब अच्छा रिजल्ट करे, फिर भी बड़की माई हमके डांटली। बड़की माई के देख के हम बहुत डरा गईल रही माई। हम फिर से आभा के संगे ना खेल पाए। हाँ भैया बोला। दीदिया कुछ प्रॉब्लम है, लौटे में हमके तनी देरी हो जाई। तोहके तो रोजे प्रॉब्लम रहेला। ना उ तोहके हम बतावले नहीं ना कि हम कुछ टेंडर भेजवावले नहीं, वो टेंडर के पेपर में कुछ गड़बड़ निकलल है, हमके दोबारा वो टेंडर के पेपर तैयार करवावे के पड़े, वह कर रहा नहीं। तो के बहुत चिंता रहेला ना, यही से तो के बता देली। अब तू आराम करा। का आराम करी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी तो लगले रहेला। फिर से का भेल दीदिया? ना कुछ भी ना। कुछ भी ना के मतलब? कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेला कहत रहो, तुहार आवाज भी बैठल है, का भेल? अरे कहली ना कि कुछ नहीं के भेल, वैसे ही ऑफिस के टेंशन रहेला। घर के टेंशन में मत पड़ा भैया, काम करा। अच्छा, हम ऑफिस में ही, हमरा पर काम के बहुत प्रेशर है, यही से घर के बात निकू बतावल चाहा था ना। सुन के आपके टेंशन हम समझते हैं। अच्छा ठीक है। उफ, तो सचमुच कबो ना बदलवा, तो फोन रखा और आपन काम करा, बाद में बताएं। ठीक है, ओके। मन लगा के काम करें, मन लगा के।
हम केकरा संगे कैसन बर्ताव करी तू हमके बताइबू? जे करत है तुहार भलाई के खातिर ही करत है। नाना आबा के ऊपर इतना गुस्सा कैल ठीक ना कैली। हम ते कहले ना कि अक्सर खूब मन लगा के पढ़ाई करब त फिर खेले काहे ना देना ला। तू हमरा से ए तरह बात मत कैल करा। बड़ लोग के संगे ऐसे बात ना कैल चला। तू हमरा से बहस करा लो? इतनी बदतमीज हो गई लो तू? छी ठीक है अब तू ये कमरा से बाहर ना जाइबू, एक कदम भी बाहर ना रखबू। ये तो हर सजा है। सब गलती आभा के ही नहीं खे, इस सब खातिर हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग की सोचे के चाहत रहे, पहले ही सब पर ध्यान देवे के चाहत रहे। सांतनु चाहे कितना भी प्यार काहे ना करे, बाकी हम तो माई हैं। मम्मी होकला के नाते हमके ही आभा पर ज्यादा ध्यान देवे के चाहत रहे। आभा सवेरे खाना फेंक दिले रही, ओकरा बाद तो कुछ भी नहीं खिले। हे भगवान, इतना देरी तक अब तक वो भूखले हुई। सुतल हो बेटा? हाँ देखो पूरा शरीर पर धूल लग गई ला। हमारी अच्छी बेटी उठ। आई एम सॉरी, हमरा से गलती हो गई। हम के ही तरह तो के सजा ना देबे के चाहत रहे। सॉरी बेटा उठ। अबा हमार प्यारी बेटी ऐसे ना कर जाला। तू तो सबरे से कुछ भी नहीं खुखे ले। का खाइबू बोला? हम खाना ले आवा थी। का खाइबू बोला? ना, हम कुछ भी ना खाए। ऐसे ना कर जाला बेटा। यदि तू ना खाइबू तो तब फिर हम कैसे खाए बोला? हमके दुख ना हो केला। हम तो कह रहे कि हमरा से गलती हो गई। सॉरी बेटा हमरा और देखो देखो यार, I'm sorry, I'm really sorry। माई तू कहाँ रह माई? हम रोज तो के कितना याद करत रही, फिर भी तू काहे हमरा पास ना आईलू? काहे आ गईली बेटी? तोहर पुकार सुन के ही तो आईल है। तू हमके छोड़ के कहीं ना जाइबू? हम तो के कहीं भी ना जाए दे, कहीं भी ना माई, कहीं ना जाए दे। बोलो बोलो ना माई, तू कहीं ना जाइबू? बोलो ना माई, बोलो ना माई, बोलो ना, बोलो तू कहीं ना जाए, बोलो ना माई, बोलो ना। माई माई
हमारा पास आ जाना माई, हमके बहुत डर लग रहा है।